इतना ही आशीर्वाद से कि मुख्यमंत्री बिहार के बन जाते बाबूजी ऐसा नाम करते। हाँ ऐसा नाम करतीन बाबू जैसन आ बाबू से ज्यादा इतना ही आशीर्वाद से कि मुख्यमंत्री बिहार के बन जाते बाबूजी ऐसा नाम करते। हाँ ऐसा नाम करतीन बाबू जैसन आ बाबू से। हर माँ की इच्छा होती है कि उसका बेटा बड़े से बड़े ओहदा पर पहुंच जाए, लेकिन राजनीति में अगर कोई माँ ये इच्छा जताए कि मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा सीएम और पीएम हो जाए तो उसके पीछे भी राजनीति हो सकती है। दरअसल रामविलास पासवान को लोग आज याद कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि है, तो ऐसे हालात में राजनीतिक तौर पर लोग उनके प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन अपने दिवंगत पति को याद करते हुए भावुक हुई रामविलास पासवान की जो पत्नी है यानी चिराग पासवान की जो माँ है, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, ख्वाहिश का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं ये चाहती हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री हो जाए। यानी एक माँ की इच्छाएं होती है कि उसका बेटा बड़े से बड़े ओहदा पर पहुंच जाए ताकि वो अपना माँ का बाप का इलाके का नाम रोशन करे, लेकिन मौजूदा समय में चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उनकी माँ की इच्छा है कि 2025 हो या ये कि उसके बाद का चुनाव हो उसमें चिराग की सियासत इतनी चमक जाए कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री हो जाए। हालांकि मुख्यमंत्री के लिए वैकेंसी अभी नहीं है, इसलिए कि एनडीए ने इस बात को माना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम होंगे और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे और अपने नेता कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आप जोर लगा दीजिए ताकि इस बार हम चुनाव बड़े मजबूती से और ज्यादा सीटों के साथ जीत जाएं। लेकिन ऐसे हालात में चिराग की मां ने आखिर क्यों कहा है, क्या चिराग की तरफ से ये इशारा है कि भाई आप कहिए, मां अगर कहेगी तो दुआ भी होगी और मां अगर कहेगी तो किसी को इतराज भी नहीं होगा, इसलिए कि भाई मां की तो इच्छा होती है, चाहे ये कहवाने की तो कोशिश नहीं है कि एनडीए चिराग पासवान को अपना सीएम उम्मीदवार बना दे या ये कि कोई ऐसा फ्रंट बन जाए, प्रशांत किशोर हो, AIMIM हो या जो दूसरी पार्टियां हैं वो सब मिला करके और उसमें जो है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में घोषित कर दिया जाए। इसलिए कि दलित की जो राजनीति है, यानी जिस तरह से प्रशांत किशोर ने भारती को बना दिया था अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष अभी वो है, तो ऐसे हालात में ये बात सामने आई है कि उनकी मां ने ये इच्छा जाहिर की है और लोग ये कह रहे हैं कि शायद चिराग पासवान ने अपनी मां से कहवाया है या उनके आसपास के लोगों ने उनके जहन में ये डाला है कि आपका बेटा बहुत बड़ा नेता बना हुआ है, इस वक्त कैबिनेट में मंत्री भी है, तो और दुआएं दे दीजिए और इच्छा जाहिर कर दीजिए कि वो बिहार का मुख्यमंत्री हो जाए। हालांकि चिराग ने ऐसी इच्छा नहीं जताई है, लेकिन हर ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले हैं मेरे अरमा फिर भी कम निकले। चिराग ने हमेशा से अपनी पार्टी को लेकर के जो संजीदगी दिखाई, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, फिर उठ करके खड़े हो गए और इस बार तो उन्होंने कमाल किया और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर वो अलग अलग प्रोग्राम में एनडीए को थोड़ी थोड़ी आंख भी दिखाते हैं, लेकिन उनकी मां ने आज इच्छा जाहिर की है कि मेरी दुआ है कि मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री हो जाए।